वक्त है जायके की बारी जी, बोल के जायके आइए किचन की तरफ चलते हैं। सलमा जी पहुंच चुकी हैं किचन में, चलें डाल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं? हाय अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी बर्थडे टू यू प्रिंसेस। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, इसी तरह हमेशा रहो खुश व आबाद। आज जल्दबाजी में आपने जैसे ही टर्न किया, मैंने गर्मा गर्म फटाफट डिश निकाल ली है, ये भी नहीं देखा कि ग्लास वगैरह कुछ पहने होते। तो आज जो मेरी दोस्त है मेरे साथ फौजिया बाबर, उन्होंने बनाया है आपके लिए चीज़ पास्ता, बट ये बेक्ड है। हमने बेक किया है चीज़ पास्ता को और रेसिपी जो है वो बताएंगी फौजिया। साथ में इन्होंने बनाया है जर्दा। जर्दा जर्दा बाबर अली साहब को आप बुला के जरा मुश्किल में डालना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं चाह रही हूँ जरा ये खुशबुएं उठ रही हूँ और फिर आप लोग के उफ। बाबर साहब आइए जरा, ये जरा मजीद मुश्किल हालात करें हम अपने। आइए माशाल्लाह, आइए यहाँ तक महसूस हो रहा है। हाँ जी आइए आइए ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ तक महसूस हो रहा है। उफ अस्सलाम वालेकुम, ये जुल्म है। माशाल्लाह माश, और कितना खुला खुला जर्दा है यार। हाँ तू और करीब हो जाना। और इस जर्दे के साथ मैं बना रही हूँ सोया चिकन विद बॉइल्ड राइस। जर्दे के साथ सोया चिकन, कितना साथ खाना है ये, कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। वैसे मेरे लिए तो बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है क्योंकि मैं कुछ नहीं खाती होती। आपको पता है शादियों पे मेरा फेवरेट क्या है? जर्दे पे कोरमा डाल के खाना, ये मेरा फेवरेट तरीन काम है। अच्छा मेरा, मैं इतनी ज्यादा कोई कुछ लोग करते हैं, सही कह रहा है कुछ लोग करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, जैसे खीर के साथ नान, खीर के साथ नान और गजरेले के ऊपर मलाई सुबह सुबह उठ के। जर्दे पे लोग सुबह सुबह उठ के जो खाते हैं वो जो रात का बना हुआ जर्दा होता है उस पर दही की मलाई डालकर खाते हैं, क्या लगता है? हाँ बहुत मजे का लगता है वो, क्या लगता है मैं तो बयान नहीं कर सकती। मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी सिर्फ 4:30 हुए हैं। कोई बात नहीं है फैसल, ये चीजें चलती रहती हैं, आखिर हम भी तो काम कर रहे होते हैं ना। अच्छा जी, सोया सॉस के अंदर और चिली फ्लेक्स के, सॉल्ट, सोया सॉस, लहसुन अदरक और चिली फ्लेक्स, इसके साथ मैंने इसको मैरिनेट किया हुआ था चिकन को। आप किसी भी शेप में दे सकते हैं, स्क्वायर कर लें, स्ट्रिप्स कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और सॉस जो है हम इसके अंदर ही बनाएंगे। चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करने के बाद दम में सिर्फ और सिर्फ मैंने सोया डाला है थोड़ा सा काट के, मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, वरना अदर देन सोया सॉस के साथ ये प्लेन बॉइल्ड राइस भी आप कर सकते हैं। आप पकाते हैं खाने में? यार सच्ची बात ये है फैसल के, चाय की हद तक है मुझे, बाकी चाय भी इतनी आउटडोर्स की है, नहीं खाना नहीं, कभी नहीं खाना नहीं बनाना था मैं, सीरियसली कभी नहीं खाना। मैं अंडा नहीं बना सकता भाई, ये है कि बॉईल कर लूंगा और चाय बस। नहीं आप ये सिर्फ चम्मच चला दें, मैं नहीं, मैं करता हूं। हम इससे ज्यादा काम नहीं, हम इससे ज्यादा काम नहीं कराएंगे आपसे। हां नहीं, असल में वो शौक शौक की बात होती है। मेरे ख्याल से बाबर चूंकि लाडले रहे हैं शुरू से काफी, नहीं मेरा, मेरी माशाल्लाह 3 बहनें थी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। इसी वजह से, और एक वो भी होता है ना, आप अपना कोई पैशन या कोई शौक हो, खाने की हद तक तो ठीक है। वो आपने खाने का भी ज्यादा कुछ, कितना शौक है बाबर खाने का? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना एक आम आदमी को होना चाहिए। नहीं एक होता है ना फूडी होते हैं लोग, नहीं आए रात को ख्वाब आते हैं खाने, नहीं वो वाला नहीं है माहौल। वो कौन से पर उसके बावजूद फिर आप ख्वाबों को छोड़ते किस तरह हैं ये बताएं मुझे। ये ख्वाब नहीं छोड़ूंगा ना तो और ख्वाब पूरे नहीं होंगे। हाय ये बहुत बड़ा मसला है। देखें जी आप लोगों को खुश करना कोई आसान काम नहीं है, ये एंटरटेनमेंट की दुनिया में राज करना कोई आसान काम नहीं, और मैं तो वैसे ही हार मान चुकी हूँ, मेरा तो ये काम ही नहीं है। मैं तो किचन की हद तक या कोई सोशल इशू की हद तक काफ़ी बेहतर है, बट यस जितने हमारे आर्टिस्ट हैं वो बहुत मेहनत करते हैं एंड इनको तो मैंने देख लिया, बड़ा सब्र है फैसल में। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बाबर खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद? वैसे तो सभी अल्लाह की नेमते हैं, अल्लाह का शुक्र है। होता है ना कि जिस दिन वो पकाओ तो आप कहते हैं कि हट जाओ। नहीं मैं बोल के जब बनवाता हूँ ना, जैसे पुलाव मुझे बहुत पसंद है, मटन का बिरयानी, पुलाव 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 और पुलाव मटन का। अच्छा इसी तरह मटन की बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। वाह करेले गोश्त
अब वो काम क्या बात, वो बातें शुरू कर दी हैं जो अब रोजे में थोड़ा सा जो रोजे में ज़रा मुश्किल है। अच्छा पता है मेरे अब्बा को बड़ा पसंद था करेले जी, मुझे बहुत ही ज़्यादा और माश की दाल करेले गोश्त स्पेशली वो सिरके वाला याद होगा, हम तो सेट पे भी खाते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। और मैं लाहौर में जब रही हूँ तो मुझे एक बस होती थी कि अब्बू को मैंने फ़ोन करना, वो टेबल पे खाना लगा, मैं आ जाए बस लस्सी लेकर बनानी है, मैंने दही लिया तो मैंने चाटी की लस्सी बना कर रखनी गर्मियों में। अच्छा करेले ना मुझे वो जो कीमा भरे करेले नहीं होते, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। हम वो भी, उनको, वो भी एक कहते हैं करेले गोश्त भी है वो भरे के, वैसे यहाँ पर कहते हैं भरे करेले, हम वैसे पंजाब में कहते हैं करेले ना, आपस में कज़न ही है ना, फैमिली है वो, लेकिन बड़े मज़े के होते हैं। अच्छा ये बस इतनी जल्दी बन जाएगा? नहीं ये तो अच्छा जितनी इस तरह की डिशेज है ना वो बहुत जल्दी बनती हैं। अच्छा इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपने जैसे चावल बॉईल करके रखे हैं, आपने उसे कोई भी शेप दे दें। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगी इसके साथ ही सॉस, ठीक है। अब जो सॉस बनाएंगे फिर इसमें हम दो वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, एक तो मैं इसमें सोया कर रही हूँ, एक मैंने यहाँ पर अभी गोभी खाएंगे वो बॉयल करके रखी है हमने कैबेज, जिसमें आप गोभी कोई भी ले सकते हैं, बंद गोभी भी ले सकते हैं, मुझे ये पसंद है कॉलीफ्लावर, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ब्रोकली भी, इट्स ऑल अप टू यू आप कौन सी वेजिटेबल डालना, जितना खर्चा करना है जितना जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा। वाह तो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा कोई नहीं, इसकी माफी है, इसकी माफी है, वैसे भी गर्म होकर सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। आपको 300 डिग्री से ऊपर कुछ भी बना हुआ हो उसमें जरासीम रहते ही नहीं है, कर लो जो करना है। ये बात है, ये छोटा है वैसे, ये जिसमें आप चीजें ज्यादा डाल रही हैं सर, असल में माफ करना बहन, हमारे जो बर्तन हैं वो बाद में लेट पहुंचे धुलकर, आप इसमें डाल दीजिए। शुक्रिया। हाँ जी, ये वो वाले मर्द हजरात हैं जो फटाफट कहेंगे ये आप क्या कर रही हैं, ये तो नहीं बिल्कुल ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी वक्त। अच्छा प्याज भी डाल दीजिएगा प्लीज साथ ही। शुक्रिया। ऐसी साबुत ही डाल, बिल्कुल ये डाइस कटे में, बस ये थोड़ा सा हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी सोया सॉस, थोड़ी सी हॉट सॉस, और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ऑयस्टर सॉस। वाह, और आप सोच नहीं सकते ये इतना हेल्दी लाइट फूड है, और खुशबू इसकी वैसे ही बता रही है क्योंकि सोया जब डलता है और जब पकता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कौन सी दाल में सोया डालते हैं हम? तो मैं मोस्टली मेरा तो एक ही है सोया, जब भी होता है मैं साग में डालती हूँ, सोया वाला पुलाव, सोया वाला पुलाव ना, नहीं वो दाल होती है ना जिसमें सोया डलता है, बड़ा इतनी बता नहीं कि सोया वाला पुलाव बनता है। मैं कहती हूँ जी ये आपके ऊपर है, डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसा चाहते हैं खाने को। ये देखिए इसकी क्या नाम दिया था आपने इस डिश का, ये सोया चिकन। अच्छा सोया चिकन, सोया चिकन विद बॉयल्ड राइस, इसकी खोलिएगा। और मेरी अपनी ये जो जर्दे वाला चक्कर था ये मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे खानों के साथ जर्दा नहीं जाता, इसके साथ कुछ मज़ेदार सा यमी सा ठंडा वाला डिज़र्ट जाएगा, आप कस्टर्ड कर लें, फ्रूट कंच कर लें, एनीथिंग कुछ इस टाइप का। हाँ लेकिन जो मर्जी कर लें ये जर्दा हमारे उलमाए कराम के पास जाएगा। लेकिन ये कि मैंने फौजिया के लाहौर से आने का भरपूर फ़ायदा उठाया, मैं कहा प्लीज़ दो काम कर देना, एक गुड़ वाले चावल पका के जाना और एक जर्दा बना के जाना। गुड़ वाले चावल कब बन रहे हैं? ओए ओए आप जर्दा इंजॉय करें सबके, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर, आप अंदाजे लगाए मुझे इतने पसंद है कि जिसकी अन्न नहीं। मुझे बड़े पसंद है गुड़ वाले चावल। हाँ बहुत मजे के, पंजाब में तो बहुत बनते हैं। हाँ यार बस अब आप इसको ये ले, इसकी सॉस कंप्लीट हो जाएगी। बाबर भाई बकायदा इम्तिहान है। हाँ सही बात है। अच्छा ध्यान ना दे तो खैर है बंदा। थैंक यू। ध्यान ना दे, नाक तो अपनी है ना भाई। नहीं मुझे तीजे को माशाल्लाह ये वाकई ही बहुत ही कड़ा इम्तिहान है, तो जिसमें मर्द हजरात थोड़े से परेशान हो जाते हैं या फिर घर में शोर जरा ज्यादा हो जाता है। मैं दो बच्चों को भेज दिया था यहाँ पे याद है, वहाँ के क्या कह रहे फैसल भाई बहुत भूख लगी है। नहीं एक ने मुझे कहा आप मुझे समोसा दे सकती हैं, मैं कहा पहले मुझे बताओ रोजा तो नहीं है? नहीं रोजा है, मैं कहा बस ठहर जाओ अफ्तारी में मिलेगा। बात सारी की सारी ये है, रोजा जो है वो है ही सबर का इम्तिहान। जी एक चीज मैं खासा सबर फील करता हूँ फैसल जी, आप कोई भी चीज हमारी बहनें इस मुल्क में बहुत अच्छा बनाती हैं, तो हम ना ये जो प्रेजेंटेशन होती है हाँ ये बड़ी
किसी भी दस्तरखान की बड़ी जान होती है। बिल्कुल, आप इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ। बिल्कुल जी, टेम्पटिंग। मुझे इतना अच्छा लग रहा है प्रेजेंट करने में एक चीज़ को। हाँ, उसमें चार वैसे तो रिस्क है अल्लाह का, लेकिन जब आप उसको पेश करें तो इतना हसीन लगना चाहिए। और तो चार चांद लग गए। ये नॉर्मली अगर इसकी बात ऐसे की जाए कि हम सभी मेहनत करते हैं, काम करते हैं रिस्क के लिए, बेशक कि जी उससे रिस्क कमाया जाए, ठीक है, बाकी ज़रूरियात अल्लाह ताला पूरी कर देता है, अल्लाह पाक का करम है। पर एक एक वक्त होता है जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप ज़रा उसका एहतमाम ज़रा होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है रिस्क जिसे हम कहते हैं, तो उसका एहतमाम भी फिर नहीं। अच्छा, वैसे भी मैं एक बात बताऊँ, ये बड़े अरसे पहले, बहुत अर्ली हमारी जब शादी हुई थी उसके बाद मैंने खाना बनाना रखना, तो एक लफ्ज़ जो मुझे बोला गया था, जो मेरे ससुर ने बताया था, बेटा रोटी तो बाजार से भी मिलती है और नौकर भी बना कर देता, रोटी नहीं चाहिए, बड़ी अच्छी बात, खिलाने वाला चाहिए। वाह वाह। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही गलती है, जो मुझे जब याद आती है मेरा दिल करता है जमीन फटती है और मैं अंदर चली जाती। कोई 2-2.5 बजे का टाइम था और आसिफ ने कहा कि मैं दोस्तों के साथ आ रहा हूँ, खाने में क्या है? मैंने कहा सालन पका हुआ, रोटी लेते आना। मेरे घर में ये ट्रेंड था कि रोटी अब मेरी अम्मी नहीं बनाती थी, उनको ज़रा थोड़ा सा कोफ थी उस चीज़ से, तो अब्बू बाज़ार से रोटी ले आते थे। अब मेरी सास सुन रही थी 2 बजे के टाइम, उसको बोलो खाना पका हुआ है, टेबल पर लगा हुआ है, घर पहुँचे, मेरे सामने खड़े होकर उन्होंने आटा गूंदा और रोटी, और उस टाइम मैं यूँ थी, या तो मैं मर जाऊं तो ज्यादा बेहतर। उस दिन के बाद उन्होंने एक लफ्ज कहा, मर्द को कभी ये लफ्ज मत कहना कि घर में खाने को नहीं है, है या नहीं ये तुम्हारा मसला, उसको घर आने से पहले रोकना मत। और ये मैंने अपनी जिंदगी की सीख आपको बताई है। मैं उन तमाम बहनों बेटियों को ये बात कह रही हूँ जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो आदमी घर पे नहीं आते, मैं पका कर रखती हूँ, टाइम नहीं देते। हम अपने घर की सारी टेंशन, सारे दिन की चिकचिक रोटी के टाइम पे करते हैं। जो खाना रखा साथ ही कह दिया तुम्हारी अम्मा ने ये कहा था, फलाने ये कह दिया, मैंने ये बनाया था, तुमने ये बात नहीं की, उस टाइम पे करते हैं जब किसी का जो जायका जो है ना हराम हो जाता है। और मेरे घर में अब मैं भी सास बनी हूँ तो मैं एक ही लफ्ज़ कहती हूँ कि प्लीज खाने पे बात नहीं, खाने पे बात नहीं, क्योंकि मैंने जो बड़ी मेहनत से पकाया ये पेट में चला जाना चाहिए, इसे मेरे को कुछ छोड़ के चला जाए, तो ये जरा जरूर एहतियात कीजिए। अरे फौजिया मुझे एक बात, आप जल्दी से ना जर्दे की रेसिपी बता दें। जर्दे के सबसे जो बड़ा ट्रिक है ना वो ये है कि आपने 3-4 जर्दा बॉइल करना है, जो चावल है मेरा तो फुल कुक नहीं करने, इसका एक कनी छोड़ते हैं, उसके बाद जब हम इसका शीरा बनाते हैं ना तो उसमें दही डालते हैं। दही लैक्टिक एसिड होता है, वो जो एक कनी हमने छोड़ी होती है वो दही उसको कुक करती है और वो सॉफ्ट भी रहता है। वैसे मैं जब भी शीरे में चावल डालती हूँ वो अकड़ जाते हैं, तो उसमें दही डालें ना और दूध डालें। अच्छा, ओके, दही और दूध डालें तो वो शीरा चावलों को नहीं अकड़ाएगा, सॉफ्ट रखेगा, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है। अच्छा, स्पाइसेस जो है ना, और ये खाना ये पूरी एक साइंस है, हमारे यहाँ ये है कि सारे स्पाइसेस को आपने एक ही दम डाला, उसको भूने तो उनके न्यूट्रिएंट्स सारे इवेपोरेट हो जाते हैं। काली मिर्च हमेशा एंड में डालें, एरोमेटिक स्पाइसेस हमेशा एंड में डालें, जो बेसिक अर्दी स्पाइसेस हैं जैसे सूखा धनिया, जीरा, सौंठ मिर्च, हल्दी, ये सिर्फ आप शुरू में डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना वो उसके बारे में ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा, मैं एक साइंस बताने लगी हूँ फौजिया, यूं ऊपर से लेकर नीचे तक मसाले हैं। जब मेरी बेटी ने पहली दफ़ा खाना बनाया ना तो मैंने कहा तुमने इसमें डाला क्या है, बड़ा मज़ेदार है, कहती मामा यहाँ से शुरू हो जाए और सारे मसाले डाल दिए। वो मतलब उनको पता ही नहीं था क्या, लेकिन ये कि यस जर्दा, और जैसे अभी हमने बात की है कि मुझे गुड़ वाले चावल बहुत पसंद है लेकिन हमेशा मेरे थोड़े से बैठ जाते हैं। मुझे एक बात तो, किचन में काम करती हो, फूड सर्व करती हो, लोगों को भिजवाती हो, सबसे मुश्किल काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम क्या है? नहीं आ पाएगा इंटरव्यू, सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम होता है बर्तन धोना। जितनी बरकत बर्तनों में होती है उतनी किसी चीज में नहीं होती है। दो चीजों को बड़ी, मेरी अम्मी कहती थी दो चीजों को बड़ी अल्लाह की दुआ आएगी है, जाग लगी हुई है, एक कपड़े गंदे नहीं खत्म होंगे और एक बर्तन गंदे नहीं खत्म होंगे, ये लाजमी आपके। लेकिन हाथ के हाथ अगर धुलते रहे ना, धुलते रहे, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे घर के बच्चे और सब मिलकर एक साथ काम करें, खाना पकाए मत, थोड़ी बहुत हेल्प करें, सैलड्स बना दें, मीठा बना दें, शरबत बना दें, पानी रख दें, टेबल सेटिंग कर दें, फिर उसके बाद खाना उठा लें। लेकिन जब आपके बर्तन धोने की बारी है तो एटलीस्ट आप कम से कम ये देखें कि बर्तन जिसने धोने हैं उसके साथ थोड़ी सी हेल्प करनी, बड़ा इजी काम है। एक बात यहाँ पर ज़रूर कहूँगी, एक गलती जो हमारे बच्चे करते हैं, जो बर्तन है ना ये नहीं देखेंगे कि उसमें रिस्क पड़ा हुआ है,
उसको साइड पे साफ नहीं करेंगे, अगर एक प्लेट में निकालते चले जाएं, प्लेट्स को साफ करके इस तरह इस अंदाज में रख दी जाए तो सिंक इतना ज्यादा भरा हुआ नहीं लगता। लेकिन थैंक यू सो मच लेमन मैक्स, जिन्होंने 1000 नींबुओं की ताकत से लेमन मैक्स बनाया है जो कि गहरी से गहरी सख्त से सख्त चिकनाई को खत्म कर देता है, और हमारा ये जो मुश्किल काम है मिनटों में हो जाता है, मिनटों में तो नहीं, खैर चले घंटों का काम मिनटों में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम हमेशा सोचते हैं, हम औरतों की कोशिश होती है कि हमारे बजट फ्रेंडली होनी चाहिए चीज़। तो लेमन मैक्स बार जो है आपके लिए बजट फ्रेंडली है, उसकी वजह ये है कि ये कम घुलता है और ज़्यादा चलता है, पूरे एक महीने तक आपकी जो लेमन मैक्स बार है वो चलती है। एंड मैक्स स्क्रब आपको जालियाँ और कूचियों से बचा देता है और नाखून भी बचा देता है, बहुत इजीली बर्तन धुल जाते हैं। और इसके साथ ही मैं थैंक यू करना चाहूँगी डिपिट सॉसेस का, 46 के करीब रेंज है हमारे पास और 22 के करीब ममालिक में इसको भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन कीटो फ्रेंडली है इनकी ऑल चिली सॉसेस, साथ में ग्लूटेन फ्री हैं इनकी सारी सॉसेज, ये इनका दावा है। आप मंगाइए, इस्तेमाल कीजिए। एक बात मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ डिप्स बनाएं, पैक कर दें इसको, बाबर भाई साथ लेके जाएं बिल्कुल लेकिन आप अपने खाने को और मजेदार जायका दे सकते हैं। अच्छा, आपने जल्दी से क्विक हमें ना ये जो बेक्ड आपने मैक एंड चीज वाला पास्ता बनाया ना, इसके बारे में जी। इसमें हमने चिकन में नमक और काली मिर्च डाल के उसको सौते किया, उसके बाद कोयला लेकर उसको स्मोक दिया। अच्छा, अदरवाइज तो बारबेक्यू कर लें, लेकिन हमने उसको जो है वो कोयले के साथ दम दिया है, उसमें स्मोकी आ गया फ्लेवर। उसके बाद हमने पास्ता बॉइल किया, बॉइल करने के बाद सॉस बनाई, उसको मिक्स किया, चीज ली, मैंने बेक किया है। अच्छा, बेकिंग जो है वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी होती है और चीज की बड़ा अच्छा टेक्सचर आ जाता है। थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।